कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज के दिन मैं अभी रेडी हो गया हूँ अभी, और आगे निकलेंगे और देखेंगे कुछ पिकनिक स्पॉट्स को। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा और चलते हैं पिकनिक स्पॉट देखने के लिए, घूमने के लिए। दोस्तों, आप सबसे एक और आग्रह है कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी हम हाशीमारा ब्रिज के पास पहुंच गए हैं और ये जो मार्केट है, दलसिंहपारा का मार्केट है। तो दोस्तों, अभी मैं मदारी हाट से होते हुए हाशीमारा के रास्ते दलसिंहपारा होते हुए रण बहादुर बस्ती आया हूँ। और यहीं से जो पीछे मेरे गेट देख रहे होंगे, एक गेट है, इसी रास्ते से अभी रिवर साइड दलसिंहपारा पिकनिक स्पॉट जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। ये पिकनिक स्पॉट जो है, एक टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नंबर आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे लगा हुआ है। तो अभी हम इस रास्ते से पिकनिक स्पॉट पर चलेंगे और देखेंगे क्या यहाँ व्यवस्थाएँ की गई है और क्या क्या सुविधाएँ दिया गया है। ये रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ से करीब पिकनिक स्पॉट की दूरी 2 किलोमीटर होगी। तो दोस्तों देखिए, ये हम पिकनिक स्पॉट पे पहुँच गए हैं और यहाँ एक चेक पोस्ट की तरह बनाया गया है, ताकि कौन गाड़ी की एंट्री किया जा सके। तो चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या मतलब कितना बाइक का क्या चार्ज है, फोर व्हीलर का क्या चार्ज है। तो दोस्तों, अभी भैया से बात किया तो भैया ने बताया कि अगर आप कार लेके आते हैं तो 250 लगेगा, और अगर आप बस लेके आते हैं तो 500 लगेगा, और अगर आप टू व्हीलर से हैं तो 50 रुपीज़ लगेंगे और आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। और तो जो भी आए तो इस तरह से अपना व्यवस्था करके आए, ताकि आराम से पिकनिक का एंजॉय कर सकें। तो मैं देर ना करूँगा और अंदर चलूँगा और देखूँगा कि अंदर भी क्या क्या है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज़ भी आने लगी है। चूँकि गणतंत्र दिवस का दिन है, तो हर जगह आपको हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिखेगा, जो कि हमारी राष्ट्र की आन बान शान है। और आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा नज़ारा पेश है, बहुत ही सुंदर। ये जगह पिकनिक स्पॉट यहाँ से तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम नीचे चलेंगे और नीचे से देखेंगे कि कैसा दिखता है। ओह क्या बात है, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ पानी, बहुत ही ठंडा पानी। दोस्तों, यह जगह बहुत ही सुंदर है। इस जगह पे जो मैनेजमेंट किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया है, बहुत ही साफ़ सुथरा जगह बनाया गया है। ये बहता हुआ पानी बहुत ही तेज़ धारा में बह रहा है। दोस्तों, यह जगह बहुत ही सुंदर है, आप लोग एक बार अवश्य आएं। देख सकते हैं कि कितना सारा गाड़ी लगा हुआ है, कितने सारे लोग पिकनिक मनाने को आए हुए हैं, दूर दूर तक पिकनिक वाले ही दिख रहे हैं। नदी के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ था, तो उस पर बैठ के यह सीन लिया जा रहा है। देख सकते हैं कितना ही सुंदर, अद्भुत नज़ारा। दोस्तों, यह जगह पे आना सौभाग्य की बात है, और वो भी पिकनिक मनाने, बहुत ही मस्ती होता है यहाँ पर। ये नदी के बीचों बीच गिरा हुआ पेड़ किसी सेल्फी पॉइंट से कम नहीं है, बहुत सारे लोग इस यहाँ पर आके फोटो खिंचवा रहे हैं।
दोस्तों यह पिकनिक स्पॉट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर पिकनिक मनाने के बहुत सारे जगह हैं। कुछ लोग नदी के किनारे मना रहे हैं तो कुछ लोग पेड़ के बीच में। आप देख सकते हैं कि सामने झूला भी लगा हुआ है, बहुत सारे लोग झूला पे भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने का भी बहुत सारा दुकान लगा हुआ है, जहाँ पर चाउमीन, मोमोज, कुरकुरे, चिप्स वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान मिलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि तुरसा पिकनिक स्पॉट को ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और बहुत ही अच्छा डेकोरेट भी किया गया था। नदी का किनारा बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और जितना हो सके हर चीज़ की दुकानें थी, फास्ट फूड का या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर अदर कोई ड्रिंक चाहिए तो सारा चीज़ अवेलेबल था। तो एक बार इस जगह पर ज़रूर आएँ और इस जगह पर पिकनिक करें और इस जगह को अपने लाइफ में यादगार बनाएं। अभी हम निकल गए हैं रिवर साइड तोरसा रेस्टोरेंट कम कैफ़े के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सामने बहुत ही सुंदर रास्ता और उसके सामने पहाड़ी है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मिछिया बस्ती और यहीं से हम तोरसा रिवर साइड पिकनिक स्पॉट के रास्ते जाएंगे। और देखिए ये रास्ता जो है आपको जयगांव ले जाती है। अभी हम पिकनिक स्पॉट जाएंगे और इस पिकनिक स्पॉट के रास्ते में दो तीन रेस्टोरेंट या फिर रिसॉर्ट भी मिलता है, तो अभी हम वहाँ भी चलेंगे। रिसॉर्ट नहीं जाएंगे, पिकनिक स्पॉट ही जाएंगे और देखेंगे कि क्या व्यवस्था है और क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं दी गई है। रास्ते में बहुत सारे चाय के बागान हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं और सामने भूटान की पहाड़ी अद्भुत नज़ारा है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम तोरसा रिवर साइड रेस्टोरेंट कम कैफ़े में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। चूँकि आज गणतंत्र दिवस भी है इसलिए भी थोड़ा भीड़ है और अभी पिकनिक का मौसम चल रहा है तो इसलिए भी ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं कि पूरा जगह भरा हुआ है। और ये जो पार्किंग है ये रेस्टोरेंट का पार्किंग है, एक और पार्किंग है जो कि आपको उस साइड मिलेगा जो स्टार्टिंग में मिलता है। तो मैं दोनों का एक फ़ायदा बताऊंगा लास्ट में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कहां पार्किंग करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर कैसा व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये जो हट्स हैं बहुत अच्छे से सजाया गया है, बैलून्स लगे हुए हैं। और ये हट्स में आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, आप कपल्स हैं तो कपल्स भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा सुविधा मिलता है। और आज के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर खासकर इस कैफ़े को बहुत ही अद्भुत तरीके से सजाया गया है। ये रेस्टोरेंट आज ही नहीं सालों भर इसी तरह भीड़ से खचाखच भरा रहता है। तो आप इस जगह जब भी आएंगे आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ है इसलिए आज के दिन कोई भी हट्स या फिर कोई भी टेबल खाली नहीं है। तो यहाँ पर अकेला मैं हूँ तो यहाँ पर कुछ भी खाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिना बैठे आज के दिन सर्विस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काउंटर पे ऑर्डर्स नहीं लिए जा रहे हैं। जो भी ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं डायरेक्ट आपको हट्स में बैठ के ऑर्डर लिए जाना है। वैसे यहाँ सफिशिएंट जगह है, वेटिंग टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों अब मैं इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलूंगा और नदी के किनारे जाऊंगा और वहां का दृश्य देखना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से भी अंदर आ रहे हैं और अंदर से भी बाहर जा रहे हैं। और सामने भूटान की पहाड़ी जो कि अद्भुत नज़ारा पेश कर रही है। और आप देख सकते हैं कि उसके बगल बगल नदी है, वो भी बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं कि
कितना अद्भुत नज़ारा, ये जो फ्लैग्स हैं ये और सुंदरता में काफ़ी इन्हांस कर रहा है। तो दोस्तों इस रास्ते से अभी हम नदी के किनारे चलेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग नीचे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत तेज़ पानी बहाव था, अभी पानी का लेवल थोड़ा कम है इसलिए यहाँ पर अभी पानी नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं नदी के किनारे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पानी के पास एंजॉय कर रहे हैं। पानी में फ्लो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कोई गम नहीं, मस्तियाँ भी बहुत सारी करनी हैं। दोस्तों यहाँ का पिकनिक मैनेजमेंट टीम के द्वारा इस जगह को काफ़ी साफ सुथरा रखा गया है और आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। पानी में गहराई नहीं है लेकिन पानी में बहाव बहुत ही ज़्यादा है। कुछ बच्चे पानी में स्विमिंग भी कर रहे हैं, ये लोग प्रो स्विमर हैं तो सबका मस्ती का अलग अलग अंदाज होता है। दोस्तों ये बांस का ब्रिज भी बना हुआ है जो कि एक फ़ोटो शूट का प्लेस बन गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा, और ये रेस्टोरेंट का व्यू तो और ही काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इस फ्लैग ने इस रेस्टोरेंट का, इस जगह का ब्यूटी में बहुत ही ज़्यादा इन्हांस किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आए हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में फोर व्हीलर्स लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये चचरी का पुल तो देख ही रहे हैं कितना आकर्षक है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, मोमोज, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, अदर ड्रिंक्स सारे सामान यहाँ पर मिल रहे हैं। हालांकि ये सारे सामान थोड़ा महंगे रेट पे मिलेंगे क्योंकि ये लोग भी कुछ अदर टैक्सेस देके यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो बाहर से ही ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान लाएं। दोस्तों इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट भी किया गया है, और ये रेस्टोरेंट सालों भर इसी तरह से डेकोरेट किए रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बोला था कि आखिरी में मैं इसका एक बेनिफिट बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे पार्किंग करें, और आप अगर कुछ खाना पीना खाते हैं तो उसका बिल दिखाने पे आपको पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। दोस्तों मैं अब तीसरा पिकनिक स्पॉट पे आ गया हूँ और इसका नाम है महुआ पिकनिक स्पॉट, जिसे महुआ TE पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है आपको पार्किंग का चार्जेज लगते हैं, तो बाइक का पार्किंग चार्ज 50 रुपया है और फोर व्हीलर का 250 है और बस का 500 है। तो दोस्तों आप यहां पर भी आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग नदी किनारे भी हैं, बहुत सारे लोग ऊपर भी पिकनिक मना रहे हैं, और शाम का वक्त है तो अद्भुत नज़ारा पेश हो रहा है।
सनसेट का भी व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों। यहाँ का नज़ारा तो वाकई ही काबिले तारीफ है और ये आई लव महुआ का स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। चूँकि शाम हो गई है तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल भी गए हैं, इसलिए ये पिकनिक स्पॉट थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है। दोस्तों ये आखिरी पिकनिक स्पॉट है तो यहाँ कुछ खाना भी ज़रूरी है, तो सामने चाउमीन मोमोज वगैरह वगैरह बन रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हार्ड ड्रिंक सारे ड्रिंक्स भी हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ वेज मोमोज खाऊंगा और इस जगह का भी आनंद उठाऊंगा। तो मेरा वेज मोमोज रेडी हो रहा है और ये भाई साहब देख सकते हैं टीका चंदन करके मोमोज बना रहे हैं। तो ये हमारा मोमोज और ये मस्त व्यू महुआ टी पिकनिक स्पॉट का बहुत ही सुंदर। और संजोग से ये राइनो भैया भी दूसरे एंड में एकाएक आ गया, तो वैसे ये बहुत दूर था इसलिए कोई अफरा तफरी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं इसको किसने पार्टी पे इनवाइट किया था। और रास्ते में घर जब जा रहा था तो भी एक राइनो दिख गया, तो बहुत ही अच्छा पिकनिक रहा दोस्तों। मेरा यह पिकनिक का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग रेटिंग ज़रूर करें, और कौन सा पिकनिक ब्लॉग अच्छा लगा वो भी रेटिंग करें।